दोस्तों क्या आपको पता है, बादशाह अकबर ने जब अनारकली को दीवार में चुनवाने की दर्दनाक सजा सुनाई थी, तब अनारकली ने अपनी एक अंतिम ख्वाहिश रखी थी। क्या थी वह अंतिम ख्वाहिश और उसे पूरा किया गया था या नहीं, और आज के दिन मुगल रानियों की कब्रें कहाँ हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लो यार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तूफानी फैक्ट्स पर। तो दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में मुगलों के बारे में जानने वाले हैं, जिन्होंने हमारे भारत पर सैकड़ों साल शासन किया। और आज के दिन अकबर, अनारकली, सलीम, जोधा, रुकैया, सलीमा की कब्रें कहाँ हैं और उनके मकबरे कहाँ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले में अमरकोट में हुआ था। और आपको बता दें, जब अकबर का जन्म हुआ था तब उनके पिता को सल्तनत से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा के घर पर हुआ था। अकबर 12 साल की छोटी उम्र में राजा बन गए थे। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में उनका राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने 49 वर्षों तक शासन किया। 27 अक्टूबर 1605 को वे दुनिया को अलविदा कह चले। और आज के दिन अकबर के मकबरे का नाम टॉम्स ऑफ अकबर द ग्रेट है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अनारकली के बारे में। और आज के ज़माने में अनारकली को कौन नहीं जानता। अनारकली का नाम सुनते ही प्रेम कहानी याद आती है, क्योंकि यह नाम सिर्फ प्रेम कहानी से ही जाना जाता है। और आज हम जानेंगे अनारकली का जन्म कहां और कब हुआ था, तथा आज के दिन उनका मकबरा कहां स्थित है। आपको बता दें, अनारकली का पूरा नाम शरीफुन निसा एवं नादिरा बेगम था, तथा उनकी माता का नाम नूर खान अरगन था। और उनका पेशा था मुगल दरबार में नाचना, इसलिए सलीम उर्फ जहांगीर और अनारकली की इस मोहब्बत से बादशाह अकबर बिल्कुल खिलाफ थे। सलीम और अनारकली की मोहब्बत की खबर सलीम की बेगम नूरजहां ने अकबर तक पहुंचाई थी, और ये बात सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हुआ था। और सलीम को बादशाह अकबर ने बहुत समझाया, लेकिन सलीम नहीं माने। फिर अकबर ने सलीम को बंदी बना लिया और उनके सामने दो शर्तें रखी, या तो वे अनारकली को हमें सौंप दे या खुद की जान ले ले। सलीम खुद की जान देने को तैयार हो गया, लेकिन जब यह बात अनारकली को पता चली तब उसने अपने आप को अकबर को सौंप दिया और सलीम की रिहाई की गुहार लगाई। उसके बाद अकबर ने सलीम को तो रिहा कर दिया, लेकिन अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाने की दर्दनाक सजा सुनाई। और इस दर्दनाक सजा से पहले अनारकली की आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, जिसके बाद अनारकली ने अपनी आखिरी ख्वाहिश मुगले आजम सलीम के साथ उनकी मलिकाए हिंद बनकर गुजारने की ख्वाहिश रखी। क्योंकि मुगल शहंशाह सलीम ने अनारकली से वादा किया था कि वो मरने से पहले उन्हें अपनी मलिकाए हिंद बनाएंगे, और अकबर ने इसकी इजाजत दे दी। फिर मरने से पहले अनारकली ने सलीम के साथ मलिकाए हिंद बनकर एक आखिरी रात गुजारी, और उसके अगले दिन सजा के मुताबिक अनारकली को जिंदा चुनवा दिया गया। इस तरह सलीम और अनारकली दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अनारकली की माँ नूर खान अरगन, जो मुगल दरबार में एक अच्छी नृत्यिका थी, एक बार अकबर उनके नृत्य से प्रभावित होकर उन्हें जिंदगी में एक बार जो चाहिए मांग सकती थी ये वचन दिया था। तब उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जब उनकी बेटी अनारकली को इतनी दर्दनाक सजा सुनाई गई तब उन्होंने अकबर को अपना वचन याद दिलाया। और अनारकली की मां ने अनारकली की रिहाई की भीख मांगी, तब अकबर ने उसे एक सुरंग के रास्ते लाहौर से बाहर निकाल दिया था। और अकबर ने वचन लिया था कि वे कभी सलीम से नहीं मिलेंगी, तथा सलीम ने अकबर की मृत्यु के बाद अनारकली का मकबरा उसी जगह पर बनवाया जहाँ अकबर ने अनारकली को चुनवाया था। और उस पर अनारकली की मृत्यु की तारीख 1599 और मकबरे के निर्माण की तिथि 1615 आज भी पड़ी है। और यह मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में है, और वहां पर आज भी लेडीज सामान के लिए विशाल बाजार लगता है, जो सदियों से अनारकली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सलीम उर्फ जहांगीर के बारे में। इनका मकबरा लाहौर में सहदरा नगर के निकट स्थित है। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनके पुत्र शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह मकबरा एक बगीचे के अंदर स्थित है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जोधा बेगम के बारे में। जोधा बेगम उर्फ मरियम उज़्ज़मानी, तो आपको बता दें इनका मकबरा भी आगरा के सिकंदराबाद में स्थित है। अब हम रुकैया सुल्तान के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1542 को हुआ था और ये तीसरे मुगल सम्राट की बेगम थी। इन्होंने लगभग 50 सालों तक मुगल साम्राज्य में राज किया। 1626 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई 84 साल की उम्र में। और इनका मकबरा बाबर के बगीचे बाबरे बगीचे काबुल अफगानिस्तान में है। आपने सलीमा सुल्तान के बारे में जरूर सुना होगा। इनका जन्म 1539 में हुआ था, तथा सलीमा सुल्तान अकबर की फूफा
फेरी बहन थी। हुमायूं ने बैरम खान से खुश होकर अपनी भांजी सलीमा सुल्तान का निकाह बैरम खान से करवा दिया था तथा सन 1561 में बैरम खान की हत्या के बाद इनका निकाह अकबर से हो गया और सलीमा की मृत्यु 1612 ईस्वी में हुई और इनका मकबरा भी आगरा में मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर लो यार, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।